नाहन शहर के दुकानदारों ने बाजार में डाले गए कंक्रीट के फर्श को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत की है। दुकानदारों का आरोप है कि बाजार में पाइपलाइन बिछाने के बाद डाले गए फर्श में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है, जिस कारण 4 दिन बाद ही फर्श उखड़ना शुरू हो गया है। नाहन शहर के दुकानदारों ने बाजार में डाले गए कंक्रीट के फर्श को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की है। स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि शहर में बिछाई गई पाइपलाइन के बाद फर्श निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। संबंधित विभाग के अधिकारी भी ठेकेदार द्वारा किए जा रहे कार्यों को अनदेखा कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बाजार के मुख्य मार्ग पर डाला गया फर्श बारिश के बाद ही उखड़ने लगा है। स्थानीय दुकानदारों ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत की है और एक शिकायत पत्र नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को भी सौंपा है। दुकानदारों ने गुन्नू घाट पुलिस चौकी से बड़ा चौक और दिल्ली गेट से बड़ा चौक की तरफ मार्ग निर्माण को लेकर बरती गई लापरवाही पर कार्रवाई करने की मांग की है और मार्ग को दोबारा गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए बनाने की गुहार लगाई है, ताकि आने वाले दिनों में जहां दुकानदारों को समस्या ना हो तो वहीं राहगीरों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाजार गुन्नू घाट में पुलिस चौकी गुन्नू घाट से लेकर प्रभाकर जी की दुकान तक जो ठेकेदार द्वारा बजरी डाली गई है, एक कमेटी के निर्देशों पर डाली गई है और कमेटी ने जो हल्का मटेरियल इसमें इस्तेमाल करवाया है, ठेकेदार ने किया है, उसके बारे में हमने कमेटी को कई बार अवगत करा चुके हैं। उसके बावजूद भी कमेटी इसमें प्रॉपर कार्य नहीं कर रही है। अतः हमारा कमेटी से ये मांग है कि इस फर्श को पूरा उखाड़ कर नया बनाया जाए और जो पहले डला है गलत उस पर लाइबिलिटी फिक्स की जाए। टाइल्स ठीक लगी हैं बट मतलब कि बाजार में मेरे अपने हिसाब से टाइल्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कई जगह टाइल्स के लगने से और कई जगह टाइल्स के लगने से पानी दुकानों में आ रहा है और जहाँ से टाइल एक बार उखड़ जाती है वहाँ से टाइल की दोबारा सेटिंग नहीं होती। तो अपना तो अनुरोध ये था कि आगे जितना टाइल्स का काम है अभी तक मार्केट में जो हो चुका है हो चुका है, और आगे जो टाइल्स का काम हो वो ना हो, क्योंकि जो पहले सीमेंटेड फर्श होता था वो ठीक होता था बाजार के लिए। और जैसे कि कई जगह आपने देखा होगा शहर में भी टाइल्स लगी हैं तो वो ढंग से नहीं लगी हैं। इसमें एमसी को चाहिए और कम से कम एमसी के अधिकारियों को चाहिए कि मौके पे देख के उसको काम को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि कई स्थानों पे नहान पे कई जगह पे टाइल जो उखड़ी हैं और दोबारा लगी नहीं है सही ढंग से, जिससे अब बरसात के मौसम में भी लोगों के कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं, जहाँ बाइकें गाड़ियाँ उसके ऊपर से गुजरती हैं और कई लोग उससे गिर भी रही हैं टाइल उखड़ने की वजह से, और कई लोगों को इससे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी ठाकुर अजमेर सिंह ने बताया कि स्थानीय दुकानदारों ने बाजार में ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों को लेकर उन्हें शिकायत पत्र सौंपा है, जिसको लेकर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता को लेकर कोई भी कोताही बरती गई होगी तो ठेकेदार से दोबारा से गुणवत्ता के साथ कार्य करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तब तक ठेकेदार की पेमेंट को भी रोक दिया जाएगा। ऐसा है कि नगर परिषद ने मोस्टली जो टेंडर हैं वो कर दिए हैं। आपको पता है कि हमने 40 कामों की अप्रूवल जो है कोरोना टाइम में जिलाधीश महोदय से ली थी। हमारा लगभग जो बाज़ार में बड़ा चौक है या छोटा चौक है या गुन्नू घाट का इंटरनल एरिया है, ये काम हमने पूरा कर दिया है। लेकिन दिल्ली गेट से बड़े चौक तक का जो काम है वो भी, उसमें भी मुद्रा रोजगार गारंटी योजना के तहत अपनी लेबर और अपने लोग लगाए हैं, उसको भी अतिशीघ्र पूरा कर देगा। केवल 20% काम जो है बाज़ार का बचा है उसको भी कर दिया जाएगा। जहाँ पर कहीं पुरानी टाइलें ऊँची नीची हैं उनको भी रिपेयर करके जो है, ताकि दुकानदारों की जो हमारे शॉपकीपर्स की जो शॉप है उसमें पानी वगैरह अंदर न जाए और एकदम अच्छा हो जाए और आम जनता जो है इसमें जो है खुश रहे, यही नगर परिषद का प्रयास है। थैंक यू। देखिए, ये जो ऐसी शिकायत है तो इसका सैंपलिंग जो है एक टेस्टिंग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि ये जो है सामग्री, इसके लिए एक लैब है, गवर्नमेंट की लैब है, प्राइवेट लैब है, और ये इंजीनियर हमारे देख रहे हैं, एसडीओ देख रहे हैं, जेई देख रहे हैं, अच्छा काम हुआ है। फिर भी कोई शिकायत होगी, जहाँ कमी होगी तो उसी ठेकेदार को कोई पेमेंट नहीं करेगी है, उससे दोबारा जो है ये काम करवाया जाएगा। और हम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ऑनेस्टी से ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे। ठेकेदार को अच्छे रेट दिए जा रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि इसमें क्वालिटी के साथ ठेकेदार या डिपार्टमेंट का कोई आदमी जो है कोताही बरते, अदरवाइज सख्त कार्रवाई होगी। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।